अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसे फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो हैं उनमें सबसे पहले आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, जैसा कि हमें वर्ड से इसको देखने से पता लग रहा है, अगर मैं इसको वर्ड को ब्रेक करूं तो वेरी एंड एबल, और अगर मैं वेरी को स्पेल चेंज कर दूं तो ये वेरी हो जाता है। इसका मतलब होता है तब्दील होना, एबल काबिल। तो ऐसे तमाम पार्ट्स किसी भी एक्सप्रेशन के या क्वेश्चन के जो वेरी हो कर सकते हों, चेंज हो सकते हों, उन तमाम के तमाम पार्ट्स को वेरिएबल्स बोलते हैं, और इनको हम अल्फाबेट्स से डिनोट करते हैं, लोअर केस अल्फाबेट से। तो वेरिएबल की डेफिनेशन है जी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड एंड इट इज नॉट फिक्स्ड। तो वो क्वांटिटी जो होती है वो उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस अल्फाबेट्स। लोअर केस अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? लोअर केस अल्फाबेट्स ये होते हैं ए बी सी एक्स वाई जी ईटीसी। तो वो वाले लोअर केस अल्फाबेट्स को हम यूज करते हुए वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, x प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, प्लस 3। अब ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, 4x एक एक्सप्रेशन है मेरे पास। इसमें जो अल्फाबेट वाली वैल्यूज होंगी वो वेरिएबल्स होती हैं। हेयर x इज वेरिएबल। एक और देख लेते एग्जाम्पल, 3x प्लस वाई माइनस 9, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें x और y दो वेरिएबल हैं। हेयर x एंड y आर टू वेरिएबल्स। इसके बाद है जी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है जी? कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाज। तो वो तमाम वैल्यूज किसी भी एक्सप्रेशंस की जो फिक्स होती हैं और वो चेंज नहीं होती, उनको कॉन्स्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। क्वांटिटी दैट इज
फिक्स्ड एंड नॉट चेंजेस, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x+9, तो इसमें 9 जो है ये फिक्स वैल्यू है और ये चेंज नहीं होती, इसलिए इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। हेयर 9 इज कॉन्स्टेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, 49x+7, तो यहाँ पे 7 जो है ये फिक्स है, इसलिए 7 जो है कॉन्स्टेंट कहलाती है वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद आता है जी, इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, उस नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी? थ्री एक्स, फोर एक्स, सेवन एक्स, तो इन तीनों में 3, 4 और 7 जो है आर द कोएफिशिएंट्स तो यहाँ पे 3, 4 और 7 जो है वो कोफिशेंट्स हैं। वो क्यों कोफिशेंट है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद आती है जी टर्म्स। टर्म क्या होती है? टर्म्स क्या होती हैं? कोई भी नंबर, कोई वेरिएबल और इन दोनों का प्रोडक्ट, वो टर्म कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है जी, अ नंबर वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल इज नोन एज टर्म। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, थ्री एक्स अब ये एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 3x+9y-z, तो इसमें 3x, 9y और z इनको हम अलहदा अलहदा काउंट करेंगे तो ये अलहदा अलहदा हमारी टर्म कहलाएगी। तो 3x एक अलहदा टर्म है, 9y एक अलहदा टर्म है और z एक अलहदा टर्म है, तो इन तीनों को हम इंडिविजुअली टर्म बोलेंगे और तीनों को कलेक्टिवली हम बोल देंगे कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स इंक्लूड हैं, 1, 2 और 3 जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल को देखा, कॉन्स्टेंट को देखा, कोफिशिएंट को देखा और
टर्म को देखा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के पार्ट्स दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में फर्क सिर्फ इस चीज का होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन इंक्लूड नहीं होता, जबकि इक्वेशन जो होती है वो इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व करती है। इसीलिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जस्ट इक्वालिटी के साइन का डिफरेंस है, बाकी पार्ट्स सभी के सभी सेम होते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।